देखना, बोलना, सुनना और चलना सामान्य व्यक्ति को इतने मामूली लगते हैं कि उसके सीखने के संघर्ष की प्रक्रिया वह भूल ही जाते हैं। इसलिए शायद ऊपरी तौर पर देखने में ये कहानी भले ही मामूली लगे, लेकिन जरा सोचिए, इन सामान्य से दिखने वाले कामों में अगर किसी की जिंदगी की चुनौतियां और उपलब्धियां शामिल हों। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की लिखी कहानी है जिसका नाम है कविता। कविता सेरेब्रल पॉलिसी से जूझते हुए अपनी जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीती है। वह जीवन के इन छोटे छोटे संघर्षों का महत्व जानती है। कविता ने इस कहानी को अपने अन्य साथियों के साथ चित्रों और रंगों से साकार किया। कविता की कहानी का नायक एक ऐसा लड़का है जो चलने में परेशानी महसूस करता है, जो अक्सर चलते हुए गिरता है। एक दिन वह इसे चुनौती की तरह लेता है और तय करता है कि वह आज नहीं गिरेगा। क्या उसे इस चुनौती में सफलता मिलती है? आइए जानने के लिए देखें यह कहानी। गिरोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? एक लड़का था, उसका नाम आरुष था। वह हमेशा गिरता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी गांव वाले हैरान रह गए। वह अपनी माँ के साथ बाजार गया। उसने पहले ही ठान लिया था कि वह आज एक बार भी नहीं गिरेगा। चलते चलते उसके सामने एक छोटा सा पत्थर आ गया। उसने पत्थर के ऊपर से छलांग मारी और वह नहीं गिरा। ऐसा कई बार हुआ। उसकी माँ उसे गोद में उठा रही थी। आरुष ने कहा, माँ तुम मुझे नहीं संभाल पाओगी, इसलिए मुझे गोद से उतार दो। जब आरुष अपनी माँ की गोद से उतर रहा था, तब नीचे एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा हुआ था। उसने अपनी माँ को अच्छे से पकड़ लिया। टमाटर पर उसका पैर पड़ा, लेकिन वह नहीं गिरा। लौटते समय वह बहुत सावधानी से चल रहा था कि कहीं वह गिर ना जाए। उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आया। उसने पत्थर भी पार कर लिया। वह आज एक बार भी नहीं गिरा। आज आरुष बहुत खुश था।